बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देसी पकवान चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिन व्हील समोसे, जो कि बहुत ही खस्ता और मज़ेदार होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पिन व्हील समोसा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, इनमें शामिल हैं 2 कप मैदा, काला नमक, अनारदाना, पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज, बॉयल किए हुए आलू, ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च और हल्दी। पिन व्हील समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो को हमने बिल्कुल समोसे की डो की तरह बनानी है। 2 कप मैदा ले लेना है और इसमें 2 टेबलस्पून हम घी डालेंगे। नमक आपने इसमें हसबे ज़ायका लेना है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, इसको हाथ की मदद से गूंद लें, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इसको आपने इतना मिक्स करना है कि जब आप इसको एक मुट्ठी में लें तो ये इस तरह से बंद हो जाए। अब इसको हम थोड़े थोड़े पानी से गूंद लेंगे। पानी हमने एक साथ नहीं लेना। डो को हमने बहुत सख्त नहीं बनाना और ना ही बहुत नरम बनाना है। डो हमने रेडी कर लिए, अब हम इसको ऑयली कर लेंगे। ऑयली करके हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 टेबलस्पून घी लेंगे। इसमें हम कटी हुई 1 अदद प्याज शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च। इसको आप 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने 1 मिनट तक फ्राई किया है। अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। आलू को आपने मैश नहीं करना, इसको आप बड़ा बड़ा काट लें। इससे ये होगा कि ये आसानी से मसालों में मिक्स हो जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अगर आप इसको मैश कर लेंगे तो मसाले इसमें अच्छे तरीके से नहीं जज्ब होंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून अनारदाना, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, नमक हसब ज़ायका, 1/2 टीस्पून काला नमक। मसालों को आलू के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लें। इससे मसाले इसमें अच्छी तरीके से जज्ब हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मसाले मिक्स हो गए हैं, हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। जब तक फिलिंग रेडी होती है तब तक हम पिन व्हील समोसा के लिए पट्टी रेडी करते हैं। 15 मिनट गुजर गए हैं, डो हमने बना ली थी। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक गूंद लेंगे। पेड़ा हमने बना लिया है। अब हम इसको एक बड़ी रोटी की शेप में बेल लेंगे और इसको हमने इतना बारीक बेलना है जितना कि आप एक समोसे की पट्टी बनाते हैं। पट्टी हमने बना ली है, ये आप देख सकते हैं। पट्टी को हमने इस तरह बारीक बेला है। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे।
मसाले को आपने पट्टी के ऊपर लगा के चम्मच की मदद से फैला देना है। फिलिंग हमने पट्टी के ऊपर लगा ली है। अब हम इसके लिए एक लई तैयार करेंगे। लई बनाने के लिए हम 2 टीस्पून हम मैदा लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। लई हमने कुछ इस तरीके से बना लेनी है। अब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। बिल्कुल लास्ट पे हमने ये लई लगा लेनी है, इससे ये इससे अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। अब हम आपको इसकी कटिंग का तरीका बताएंगे। कटिंग के तरीके तो 2-3 हैं और लेकिन पहले मैं आपको धागे से बनाना सिखाऊंगी। धागे से काटने से इसकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और इसकी फिलिंग भी सही रहेगी। धागे आपने 1-1 इंच के फासले से रख लेने हैं। हमने 1-1 इंच के फासले से धागे बिछा दिए हैं। अब हम इस रोल को धागों के ऊपर ले आएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। धागे से कटिंग करने से ये होगा कि इसकी शेप भी सही रहेगी और इसकी फिलिंग भी ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आपने इसको अलग कर लेना है। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। इससे इसकी शेप भी ख़राब नहीं हुई और इसकी फिलिंग भी ठीक रही है। इस तरीके से हम सारे काट लेंगे। दूसरा तरीका कटिंग का इसका ये है कि आप इसको तेज़ सी छुरी से काटेंगे और इसको आपने बिल्कुल हल्के हाथ से और 1 इंच के फासले से इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको काटना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, इस तरीके से। पिन व्हील समोसा हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले हम इसको लई में डिप करेंगे जिससे इसकी कोटिंग हो जाएगी और ये मसाला बाहर नहीं निकलेगा। इस तरीके से आपने इसकी कोट लगा लेनी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम जो ऑयल लेंगे उसको हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना और इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। खस्ता और मज़ेदार पिन व्हील समोसा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।